कितना महंगा लग रहा है ना, 60-70 हजार का है। हाँ? हाँ, 65 GB। हाँ? क्या 60-70 हजार? इधर लाओ मुझे दो, मैं इसे बेचती हूँ, घर के कितने अखराजात पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी जहेज की कितनी चीजें आ जाएंगी। लाओ इधर लाओ। नहीं मैं नहीं दूंगी, असलम भाई ने मेरे लिए भेजा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इधर लाओ मुझे दो। अपी इधर लाओ दो मुझे। नहीं दूंगी। सनम फोन दो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मैं दूंगी। इधर लाओ मुझे दो। तुम कह रही हो क्या? फोन तुम्हारा कंजूस कहेंगी, बदतमीज। टूटा तो नहीं मेरा फोन था, मुझे वापस चाहिए। एक बार वाला करके भाई ने कुछ अगर भेज दिया तो वो भी रख लिया है, सिर्फ पैसा बचाने की फिक्र है इनको, बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है। कितने पैसे मिल जाएंगे इसको? वाला उसके लिए आया है, दे दो उसे। अच्छा आप चुप करें, महंगी चीज देके मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। लेके दे दिए तो कॉलेज के लिए पैसे दे दिए, मेरा फोन भी ले लिया। सनम ने घर जाकर फोन करने को कहा था मगर अभी तक कॉल ही नहीं की। उसे अंदाजा नहीं है कि मैं एक एक पल कितनी अजियत में काट रहा हूं। इंतजार करना कितना मुश्किल होता है, इसका मतलब है कि वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। फोन ऑफ कर दिया। बेटा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें तो तुम बहुत पसंद आए, तस्वीर देखते ही हमने तो हाँ कर दी, लेकिन शायद तुम्हारी अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। नहीं नहीं आप गलत समझिए, मैं तो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अरे भाई जो हुआ सो हुआ, रहने भी दो, अनजान लोगों में रिश्ता करने से ऐसी 100 बातें हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटे। शुक्रिया, ये लीजिए। थैंक यू। आओ यहाँ बैठो, इधर आओ। मेरी जोया के इतने रिश्ते के क्या बताऊं, इसलिए चाहती हूँ कि जल्दी से बात पक्की करूं, इसकी शादी कर दूं। जी जी आज से जोया हमारी बेटी। ठीक है, फिर लंबी चौड़ी रस्में करने की क्या जरूरत है जब शादी जल्दी करनी है। लेकिन तो...